नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी पूरन चौधरी को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। मंगलवार को एसएसपी किशोर कौशल ने मामले का खुलासा कर दिया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरन चौधरी की गिरफ्तारी एमजीएम थाना क्षेत्र से हुई है। पूरन के पास से पुलिस ने एक हथियार बरामद किया है। वहीं पूरन की निशानदेही पर पुलिस ने राजस्थान के जयपुर में से पूरन की बहन सुमित्रा के घर छापेमारी कर दो हथियार बरामद किया है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पूरन चौधरी के खिलाफ जिले के थानों में 11 मामले दर्ज हैं, जिसमें सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बगान एरिया निवासी मनप्रीत सिंह हत्याकांड और एमजीएम थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के आरोप में वह फरार चल रहा था। पुलिस पूरन के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरन ने जमशेदपुर के मांगो निवासी एक सिख व्यक्ति की हत्या के लिए 10 लाख में सुपारी ली थी। वह कई बार घटना को अंजाम देने के लिए जमशेदपुर भी आया, पर सफल नहीं हो सका। लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराध कर्मी पूरन चौधरी की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के द्वारा की गई है। यह अभियुक्त दो कांडों में फिलहाल वांछित चल रहा था। एक सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 91/22 जो कि मनप्रीत हत्याकांड के रूप में भी लोग जिसे जानते हैं, और दूसरा एक एमजीएम में रंगदारी का मामला गत वर्ष 137/23 दर्ज हुआ था। इन दो मामलों में ये फिरार चल रहा था। इसके अलावा अगर कुल मिलाकर के बात करें तो इसके विरुद्ध 11 प्राथमिकी जो है पहले से दर्ज चली आ रही है और काफ़ी समय से ये फरार चल रहा था। इसकी निशानदेही पर कुल मिलाकर के 3 जो है हथियार अभी तक बरामद हुए हैं। 2 हथियार जो है राजस्थान में, इसकी जो संबंधी वहां पे रहते हैं वहां पर जिसके कन्फेशन के आधार पर जब वो सूचना उनके साथ में साझा की गई तो वहां पर राजस्थान पुलिस के द्वारा उसे सीज किया गया है। इसके अलावा 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली इसके पास से भी यहाँ पर बरामद। तो अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।